जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं तुम्हारी और ये जो तुम्हारी वीडियो है जो तुम बेड के ऊपर लेट के कर रही हो। और जिया भट्ट के बारे में बहुत सारी बातें कहने को कि तुम वही हो ना जो बहावलपुर में कई सालों से एक प्रोड्यूसर के साथ फंसी हुई थी, उसमें से तुम्हारी एक बेटी भी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जिया भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत बकवास की है। मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को व्यूवर्स एक चीज़ दिखाएंगे हम लोग, वो आप देखिएगा और उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि कौन वल्गर है। और बाकी ये है कि इस किस्म की चीप लड़कियों को हम जैसे सीनियर और बिग स्टार्स जो होते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में कोई भी बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिन्हें पूरा पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं। और ये लोग वो ख़वातीन हैं जो पिछले लाइक 30-30 साल से काम कर रही हैं लेकिन इन्हें जानता कोई नहीं है। और जिया भट्ट के बारे में बहुत सारी बातें कहने को, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी उसे कि तुम वही हो ना जो बहावलपुर में कई सालों से एक प्रोड्यूसर के साथ फंसी हुई थी, उसमें से तुम्हारी एक बेटी भी है। और बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं तुम्हारे इतना पर्सनल तुम्हारे में, और बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो मुझे तुमने लास्ट फ़ोन किया था। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अक्ल करो, जो खुद शीशे के घर पे रहता है उसे कोई हक नहीं कि दूसरे के घर पे पत्थर मारे। और तुम ये देखो ये जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं तुम्हारी और ये जो तुम्हारी वीडियो है जो तुम बेड के ऊपर लेट के कर रही हो, वो वल्गर है या फिर हम लोग वल्गर हैं? जैसे लाइक सीनियर्स के बारे में तुम जो भी बातें करती हो, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम अभी बहुत जूनियर हो, तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई बात की जाए। आइंदा के लिए परहेज़ करो कोई भी फजूल बकवास करने से पहले। माइंड इट।